ओए देख रहा है विनोद, कैसे माउस हिला रहा है। पैंडेमिक और वर्क फ्रॉम होम के दौरान एम्प्लॉयर्स को काफी क्रिएटिव होना पड़ा अपने स्टाफ को मॉनिटर करने के लिए। ऐसे में कई सारी कंपनीज ने टाइम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर्स यूज करना शुरू किया। इससे वो अपने एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी मॉनिटर करते थे। मगर अब ज्यादातर कंपनीज जैसे ट्विटर वर्क फ्रॉम होम को ही अबॉलिश कर रहे हैं। इसी बीच कनाडा में एक कंपनी ने अपनी एक रिमोट वर्कर को फायर कर दिया क्योंकि वो अपने वर्किंग आवर्स को ज्यादा बता रही थी। काली बेसी, जो एक ब्रिटिश कोलंबिया बेस्ड कंपनी में अकाउंटेंट का काम करती थी, उन्होंने फायर होने के बाद अपनी कंपनी को रॉन्गफुल टर्मिनेशन के लिए सू किया और उनसे मांगे $5,000 की कॉम्पेंसेशन। बट एज पर द ट्राइब्यूनल, कंपनी ने उनके लैपटॉप पे टाइम कैंप इंस्टॉल किया हुआ था, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिससे कंपनीज अपने एम्प्लॉयज की एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हैं। सो द ट्राइब्यूनल रूल्ड इन फेवर ऑफ द कंपनी एंड इन फैक्ट उस एम्प्लॉय को बोला गया कि $2,700 की कॉम्पेंसेशन अब वो कंपनी को पे करें। तो क्या आपके अकॉर्डिंग ऐसे सॉफ्टवेयर से मॉनिटर करना ठीक है? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो।